आपको कि ये कंसेप्ट को मैं 95% ये अप्रैल तक ही पायलट मोड में लेके जाता हूं, क्योंकि ज्यादातर हमने जो बिजनेस सिखाना, देखो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी, एचपी ले लो या कोई भी कंपनी ले लो, आज तुम्हारा एप्पल ले लो, उसका मालिक है क्या दुनिया में? सिस्टम चल रही है। तो 7 साल ये चीजों को हम सीख के, मैं अभी वही बता रहा था कि एक तो मैं अभी अप्रैल तक ही ऑटोमेशन में लेके जाऊंगा, सिस्टम में ऑटो चल रही है, बाकी हमारे लोग जो उनको भी हम तैयार करें साथ साथ में, ये चलता ही रहेगा। और आने वाले दिनों में सब वो चीजों को हम पाइपलाइन में प्लानिंग करके ही चल रहे हैं। और आज की सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि 28 महीना हमको कंप्लीट हो गया, शुरुआत के 2 महीने में मैंने पे आउट में इन्वॉल्वमेंट दिखाया, और उसके बाद आज 26 महीनों का पे आउट ऑटोमेटिक जा रहे, चाहे मैं प्लेन हूं चाहे किधर भी, सिस्टम ही ऐसी बना के रखी कि पे आउट ऑटो जा रहे, मुझे मालूम भी नहीं पड़ता पे आउट गया क्या, सब सिस्टमेटिक तरीके से, 54 में ज्यादा नहीं 54 भी कम नहीं, इस तरीके से काम हो रहा है। स्टार्टिंग में भी उस टाइम भी किसी को प्रॉब्लम नहीं आया, उस टाइम तो हमने लॉकडाउन और कर्फ्यू में काम चालू किया था, सन्नाटा सब जगह पे, लेकिन रात को 1 बजे बरोबर पैसा पहुंच जाता था। ये आपके बिजनेस के खासे कि आज मैग्नेट अपने पास फ्लो में आ रहा है, जैसे चाइना से हिंदुस्तान ने सारी वेबसाइटें बंद कर दी, कल को कभी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाए और हमारा प्रोडक्ट उधर से ही आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अभी एक समझ लो आप चाइना की जितनी भी चीजें आप ले रहे हो ना, जो मेडिकल स्टोर जितने भी चल रहे हैं ना अपने भारत के अंदर, 80% चाइना ही चला रहा है, तो वो भी बंद करना पड़ेगा। और जो भी हम अंडरवेयर भी कर रहे हैं उसका इलास्टिक भी चाइना से आ रहा है, तो 80-90% चीजें तो आपको चाइना से ही आ रही है, तो फिर आप काम ही नहीं कर सकते। अच्छा, चाइना के अलावा हमने जापान से भी संबंध है हमारे, जापान है, चाइना है, ताइवान है, कोरिया है, ये भी बना रहे बड़ी तादाद में, जब तक झगड़ा चलता रहेगा तब तक उधर से लेते रहेंगे, झगड़ा मिल गया वो भी सुधर। अच्छा, इसमें एक चीज और है जो अभी चर्चा हुई थी, आपका याद हो तो इसने सर के साथ बात हुआ था कि अपन दुबई जा रहे हैं, तो दुबई से कभी कोई दुश्मनी करता नहीं है ना कभी करेगा, तो दुबई में हमारा वहां पे यहाँ से बड़ा हब दुबई बन जाएगा, और आने वाले टाइम पर बड़ी सारी कंट्रियों में, क्योंकि वहां से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत इजी गोइंग है, लगातार चलता है, ऐसा कभी होगा नहीं, ये सब अपने मिडिल क्लास सोचते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है कभी, अरबों खरबों का बिजनेस है। और वो अच्छा सुनो, पहली बात तो मैं 8 महीने का स्टॉक तो रखता ही हूँ, 8 महीना कभी झगड़ा चलता नहीं। पहले हम लोग बचपन में सोचते थे पेट्रोल खत्म हो जाएगा 3 साल के बाद, अभी तक आ ही रहा है, कल्पनिक बातें हैं सर, कल्पना। फिर हम लोग सोचते थे बचपन में खत्म हो जाएगा तो गाड़ी कैसी चली, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होगा नहीं। चाइना भी बहुत समझदार है, उसका पूरा हिंदुस्तान में बहुत बड़ा 70-80% वहीं से सब चीजें आ रही है, आपको मालूम है चाइना का कितना एक्सपोर्ट है, चाइना जो अमीर बन रहा है हिंदुस्तान के कारण ही बन रहा है, ओके, तो ऐसा होता नहीं है। और उसके अल्टरनेट है अपने, कोरिया है, जापान है, ताइवान है, बहुत सारा है। अभी तो चाइना ने अफगानिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन किया, और अफगानिस्तान में बहुत बड़ा नियोडिमियम का उनको पूरा माइंड मिल गया, तो वो लाएगा तो बेचेगा किधर? अच्छा, दुनिया का सबसे ज्यादा मैग्नेट मैं ही बेचता हूँ, तो अपने को तो बेचना ही पड़ेगा ना, अपने लेवल पे कोई इतना मैग्नेट खरीदता नहीं, तो हाइएस्ट मैग्नेट हम लोग ले रहे हैं। और मेरे दोस्तों बड़े बड़े मैग्नेट भी दिखा रहा हूँ, तो इतने बड़े बड़े मैग्नेट ये तकरीबन मेरे ख्याल से 1,00,000 करोड़ बॉस पावर का रहेगा, ये आईफिल टावर कौन तो तोड़ के लेके गए बड़ा। सर, और एक क्वेश्चन था लोगों का, ये जो हम धरती से मैग्नेट निकाल रहे हैं ये खत्म नहीं होगा? देखो भाई, वो पेट्रोल की बात किया ना मैंने, हम लोग देखो क्या होता है, ये बताते हैं, ये जो अपनी पृथ्वी है ना, ये आउटर कोर है, तो ये जब ये मैग्नेट कैसे तैयार होता है, वहां से वो फ्रीक्वेंसी बाहर आती है, तो सराउंडिंग की मिट्टी को क्या, ये जो मिट्टी है, ये जो हम मैग्नेट डाल रहे हैं वो मिट्टी है, वन टाइप ऑफ मिनरल्स, तो जो एनर्जी फोर्स से बाहर निकलती है तो सराउंडिंग को सब जगह पे मैग्नेट मैग्नेट कर देता है। अब चाइना का काम हो गया तो इन लोगों को अफगानिस्तान में मिल गया, फिर ईरान में मिलेगा, फिर इराक में मिलेगा, फिर हो सकता है हम लोग इंडिया में ढूंढना चालू करेंगे, थोड़ा पैसा आने के बाद खुद खोद के देखेंगे, चाइना पे डिपेंड करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा सवाल है उनका, सामने वालों को इंटरनेट बैंकिंग होने की जरूरत नहीं ना, लाइक यूपीआई पेमेंट्स दे यूज़, नहीं इसमें कैसा होता है, अभी जो आरबीआई के रूल्स है ना, आपको बैंक से ही पेमेंट करना है, बाकी दूसरा अभी कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो पेमेंट बड़े तादाद में आते हैं वो हजारों की तादाद में आते हैं, पहले हमारे पास गूगल पे सब था, लेकिन आरबीआई की उसकी रिस्ट्रिक्शन है,
अब ये गूगल पे ये सब कौन ले सकता है वाले में, अंडा बेचने वाला, ब्रेड बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला जी। अब मेरे पास तो हजारों के दादा में पूरे हिंदुस्तान में पैसे आते, तो आरबीआई ने उसमें लिमिटेशन डाला। इसके लिए हमने तो गूगल पे देना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, तो दो सेकंड वाला काम है मेरे लिए। हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आरबीआई के इश्यूज है, गवर्नमेंट के रूल्स है। तो आप अगर वो थर्ड पार्टी पेमेंट होता है वो डायरेक्टली आता है हमारे पास, उसका रिकॉर्ड उनके पास ज्यादा रहता नहीं। और उनकी खुद की देखो आपने बहुत बार आपके अकाउंट में पैसा होने के बाद भी गूगल पे आप नहीं कर सकते, पेटीएम नहीं कर सकते, कि उसका कोटा खत्म हो जाता है। तो ये आप डायरेक्ट बैंक से करोगे तो उसकी आरबीआई के अंदर वो आरबीआई के रडार पे रहता है वो। तो इन फ्यूचर हम करेंगे जैसे मैंने आपको बोला, लेकिन वो उतना तो करना पड़ेगा क्योंकि जब नोटबंदी जब हुई तो लोगों ने उसी टाइम शाना बनना चाहिए था, लेकिन लोग अपने अपने दर से मैनेज कर रहे हैं। नहीं समझ में आते बैंक में खड़े रहो, कैश डालो। क्रेडिट कार्ड के लिए पेमेंट गेटवे लगाना पड़ता है, पेमेंट गेटवे का हम प्लानिंग कर रहे हैं इन फ्यूचर। अभी एक आध डेढ़ महीना रुको, हम लोग पेमेंट गेटवे का प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दुनिया भर के 127 तरीके से आप पेमेंट दे सकते हैं। और जैसे ही पेमेंट दे दोगे, जैसे हमारे पास रिफ्लेक्शन आ जाएगा, विद इन ए सेकेंड आपको उसके एक्टिवेशन पिन भी मिल जाएगी, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। तो दिसंबर एंड तक मेरा ये मेजर काम जो इस महीने में चलेगा, उसके बाद मैं पेमेंट गेटवे पे ही काम करूंगा, रिस्पॉन्सिव बनाऊंगा। आपने वहां पे पेमेंट दिया, यहां पर आपको पिन मिल गई, लेन देन खत्म, आप अपने आपको एक्टिवेट करो, प्रोडक्ट लेके जाओ। तो अभी सॉफ्टवेयर में बहुत काम है, मतलब पहले जब सॉफ्टवेयर बनाता था तो मैं खुद ही पिन देता था, मतलब कौन पैसा दे रहा कौन नहीं दे रहा उतना भी समझ में नहीं आ रहा था, एक एक स्लिप पे चार चार पिन भी जा रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सिस्टम बनती गई, आप तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता क्योंकि वापिस वो ट्रांजेक्शन आईडी एक्सेप्ट ही नहीं होती। तो धीरे धीरे हम लोग इसके ऊपर भी हम लोग आगे जा रहे हैं, पेमेंट गेटवे के ऊपर काम चल रहा है। और हम लोगों ने खुद हजारों कंपनी को ये सब फैसिलिटी करके दी है, लेकिन अभी आरबीआई की कुछ रूल चेंज हो गए। अब मेरे पास काम का इतना लोड है कि उसको सब समझने के लिए मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दिसंबर तक मेरी प्लानिंग है कि इसको हम लोग एग्जीक्यूट करें सब कुछ अगर सही रहा, क्योंकि इसमें आरबीआई, गवर्नमेंट की परमिशन, बैंक वैंक सब इन्वॉल्व रहते हैं। तो फिर उनकी एपीआई को कॉन्फिगर करना है, वो सब करके मैं दिसंबर तक मेरी प्लानिंग रहेगी कि ये 24 घंटा 365 दिन आप पिन बाय करो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जितने भी दुनिया भर में ऑप्शन है वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे, जहां जहां पर लीगल पॉसिबिलिटीज है वो मिल जाए। अब 10 लैंग्वेज में आ गई, अब ये फाइनल स्टेज में इसमें एक दो करेक्शन आपको मिल गए, वो जब फाइनल हो जाएगा तो हम लोग इसको कम से कम 10 लैंग्वेज में लेकर आएंगे। 10 लैंग्वेज में हमारा प्लानिंग है क्योंकि 10 लैंग्वेज में हमने वीडियो भी बना दिए, तो 10 लैंग्वेज में ये भी आएगा। तो इन फ्यूचर आने वाले दो महीने में ये आपको रीजनल लैंग्वेज में भी मिलेगा। आप यहां पर आए हो तो कुछ बुक साथ में लेके जाओ जी। कभी कभी हमारा ही खत्म हो जाता है तो फिर वो आप बोलना नहीं कि बुक क्यों नहीं भेजा, पहले खरीद के रखो थोड़ा बहुत।